नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपकी सपोर्ट की बदौलत आज हम डिजिटल बोर्ड लेकर आए हैं और अपना दोस्तों प्यार ऐसे ही आगे भी बनाए रखना और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की साइड। आज का जो हमारा टॉपिक है कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड मीन दोस्तों मिश्र और प्रोपोर्शन मीन समानुपात। तो मिश्र समानुपात का जिक्र करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों और इसी से रिलेटिव अभी जस्ट सीटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों बिल्कुल ब्रीफली और स्टेप वाइज दोस्तों इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन पर देखिए कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 25 व्यक्ति उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जानिएगा दोस्तों एक ही आपके सामने ट्रिक पेश करूंगा जिससे ये सारे का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उस ट्रिक का हम जिक्र करते हैं, उस ट्रिक के बारे में जानेंगे कि वो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले देखिए MDH यानी कि MDH इज इक्वल MDH। इधर आप 111 लिख दीजिए, इधर आप 22 लिख दीजिए और बाय में W और W, इधर W1 और W2। अब ये MDHW क्या है, अगर आपने इसके बारे में जान लिया तो दोस्तों क्वेश्चन चेंज होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आप उनको सेकंडों में सॉल्व करोगे। तो आइए ये MDHW क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये M क्या है। M बोले तो मैन का जिक्र होगा, व्यक्तियों को कहेंगे M। उसके बाद D की बात करें तो D पर क्या होगा, दिन। और उसके बाद H की बात करें तो H पर आवर, आवर बोले तो क्या है, घंटे की बात करेंगे, यहां पर मिनट भी हो सकते हैं। उसके बाद में W, W बोले तो क्या होता है, वर्क, वर्क का मीन क्या होता है, कार्य। अब दोस्तों आपको पता होगा कि कोई भी कार्य होता है उसको व्यक्ति ही पूरा करते हैं, दिन भी लगते हैं और उसके बाद घंटे भी लगते हैं। तो आइए अब सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या MDHW इन चारों का जिक्र हुआ है। ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ जिक्र हुआ है कि 20 व्यक्ति 10 दिन में, यानी सिर्फ दो ही चीजों का जिक्र हुआ है, एक तो व्यक्तियों का और दिनों का। उसके बाद फिर देखिए 25 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपने क्या सीखा कि इस क्वेश्चन में सिर्फ व्यक्ति और दिनों का जिक्र हुआ है, तो हम इस फार्मूले को क्या करेंगे, सिर्फ M और D को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे, M1 D1 इज इक्वल M2 D2। हमने H को गायब कर दिया और W को गायब कर दिया, क्यों किया, जब H और W का जिक्र ही नहीं हुआ, जितना जिक्र हो उतना ही हमने क्या करना है, इस फार्मूले को अप्लाई करना है। अब भर दीजिए M1 यानी पहले व्यक्ति कितने हैं, 20 व्यक्ति, तो M1 की जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद D1 कितने दिन में पूरा करते हैं, 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर व्यक्ति कितने हैं, 25, कितने दिनों में, हाउ मेनी डे, तो D2 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई है, जब इसको इस साइड लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई वाली चीज डिनोमिनेटर में आ जाती है, कैंसिल कीजिए, 5 की टेबल पर 5 जा 25 और 5 जा 20 और 5 जा 10 और 24 जा 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 8 दिन में पूरा कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 दिन आएगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, तो नेक्स्ट के अंदर देखिए अब क्या है, 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहां पर नोट कीजिए, अब यहां पर हमें क्या मिला, आदमी मिले, उस
उसके बाद घंटे भी मिले और उसके बाद दिन भी मिले। इसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, सिर्फ हमने व्यक्तियों और दिनों का जिक्र किया था, यहां पर क्या हो गए, अब आवर्स यानी घंटे भी आ चुके हैं। फिर क्या है, 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन कहां तक जाएगा, हमारे वाला वही फार्मूला, उसमें एम आएगा, डी आएगा, एच आएगा, एम डी एच पूरा फार्मूला यूज होगा, W नहीं आएगा क्योंकि मैन दिन और घंटों का जिक्र हुआ है, 1 1 1 और 2 2 2। अब पहले व्यक्ति देखिए कितने हैं, 40 है, तो 40 आ जाएगा M1। उसके बाद D1 कितना है, 10 है, 10 आ जाएगा। उसके बाद आवर कितनी है, 5 है, 5 आ जाएगा। इज इक्वल फिर मैन कितने हैं, 50 है, 50 आ जाएगा। उसके बाद फिर दिन कितने हैं, यानी D2 हमने फाइंड आउट करना है, और घंटे कितने हैं, 4 हैं। तो अब क्या करोगे, हमें दिन D2 की वैल्यू चाहिए, तो ये 50 और 4 इधर लेके आएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 50 और 4। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करेंगे तो 0 से 0, 5 से 5 और ये 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 50 आदमी 4 घंटे काम करेंगे तो वो जो कार्य होगा वो 10 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, थर्ड टाइप की ओर। थर्ड के अंदर क्या है, तीन सौ अध्यापक 8 घंटे कार्य करके 15 दिन में 1000 कॉपियां जांच कर सकते हैं। तो अब फिर दोस्तों यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर व्यक्ति भी आए, घंटे भी आए, दिन भी आए और 1000 कॉपियां यानी वर्क भी आ चुका है, तो यहां पर क्या होगा, पूरे का पूरा फार्मूला यूज करेंगे। क्या बताया था, फुल फार्मूला यहां पर यूज होगा, एम डी एच बाय डब्ल्यू इज इक्वल एम डी एच बाय डब्ल्यू, 1 1 1 और इधर क्या आएगा, 2 2 2 आएगा। अब देखिए कितने मैन हैं, 200 अध्यापक 8 घंटे कार्य करके 15 दिन में 1000 कॉपियां जांच कर सकते हैं, तो बताइए 500 अध्यापक 6 घंटे कार्य करके 2000 कॉपियां कितने दिन में करेंगे। तो समझ में आ गया होगा, तो कीजिए 200 × दिन कितने हैं, 15, आवर कितने हैं, 8, बाय वर्क कितने हैं, 1000 कॉपियां जांच करते हैं, इज इक्वल में फिर कितने हैं मैन अध्यापक, 500, दिन कितने हैं, D2 फाइंड आउट करना है, घंटे 6 और कितनी कॉपियां, 2000 चेक करनी है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, हमें D2 की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको बराबर में डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हो, 3 0 से 3 0 को कैंसिल कर दिया, उसके बाद इस 2 को 3 से कैंसिल कर दिया, तो यहां पर वही चीज आ चुकी है, हमें क्या मिला, 200 × 15 × 8 बाय, अब ये 500 और 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब कैंसिल कर लीजिए, 2 0 से 2 0, 5 3 जा 15, 3 से 3 कैंसिल और 8 2 जा 16, तो कितने दिन लगेंगे, 16 दिन लगेंगे, कितनी कॉपियां जांच करने के लिए, 2000 कॉपियां जांच करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, पूरे का पूरा क्या किया, फार्मूला यूज किया। तो बस दोस्तों आज के हम इस वीडियो में यही 3 टाइप का जिक्र किया है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों जो बचे टाइप हैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर चलेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।